शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मुझे क्षमा करना मित्र, वाली भैया के भय ने मुझे भीरू बना दिया था, इसलिए मैं आपके युद्ध कौशल और आपकी क्षमताओं को नहीं पहचान सका। मित्र, आप वाली भैया तो क्या, उनके जनक देवराज इंद्र को भी परास्त करने में पूर्णतः सक्षम हैं। तो शुभ कार्य में विलंब कैसा? प्रभु श्री राम से मित्रता स्थापित करके उनकी कृपा के पात्र बनिए। मित्र, मैं अपने पूर्ण बल के साथ आपकी मित्रता के प्रति समर्पित रहूंगा। मैं भी सदैव मित्रतापूर्ण व्यवहार करूंगा और आपके हर संकट में आपकी सहायता करूंगा। उत्तम, अति उत्तम। अंगद मेरे पुत्र, मुझे गर्व है तुम पर। महानतम वाली जैसे महान पिता के योग्य पुत्र हो तुम। देवी, इन दिनों आपका मुख सदैव किसी चिंता और भय से ग्रस्त रहता है। इस सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ योद्धा की अर्धांगिनी है आप। भयभीत रहना आपको शोभा नहीं देता। आप अवश्य ही सर्वश्रेष्ठ योद्धा है, परंतु समय आपसे अधिक बलवान है। क्या अर्थ है आपका? स्वामी, रात्रि में सपनों से मेरी निद्रा भंग हो जाती, दिन में जागते हुए मुझे अशुभ संकेत दिखाई देने लगते हैं। मेरा दाहिना नेत्र निरंतर कंपित होकर किसी आगामी अनिष्ट की सूचना देता है। स्वामी, मुझे ऐसा प्रतीत होता है स्वामी, जैसे हमारा प्रतिकूल समीप है। स्वामी, मैं आपकी अर्धांगिनी, इस पूरे संसार में आपकी सबसे बड़ी शुभ चिंता, विनती स्वीकार कीजिए नाथ। अपने भ्राता सुग्रीव से शत्रुता समाप्त कर उनकी अर्धांगिनी रोमा उन्हें लौटा दी। महानतम वाली हूँ मैं, मुझे भयभीत कर सीख देने का प्रयास ना करें देवी। अब आपके अनुज सुग्रीव एकांकी नहीं, उनके समर्थन में वे दो शांत शांत हो जाइए देवी। किसी भी योद्धा का समर्थन मुझे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। मेरे समक्ष आते ही मेरे शत्रु की शक्ति क्षीण पड़ जाती है और मेरी शक्ति दोगुनी हो जाती है। परंतु आपको सावधान करना मेरा परम कर्तव्य है। वाली भैया को प्राप्त वरदान के अनुसार उनसे युद्ध करने वाले योद्धा की आधी शक्ति उनमें समाहित हो जाती है और उनकी शक्तियों में वृद्धि कर देती है। मित्र सुग्रीव, आप इसकी चिंता त्याग दें, क्योंकि वाली से युद्ध मैं नहीं, आप ही करेंगे। आपको ज्ञात है ये मित्र, आप क्या कह रहे हैं? मैं स्वयं वाली भैया के समक्ष जाकर अपनी मृत्यु को चुनौती दूं? हाँ मित्र सुग्रीव, जब आप उससे युद्ध करने जाएंगे तब मैं वहां से कुछ दूर कोई स्थान पर स्थित रहूंगा,
और उचित समय पर वहीं से अपने बाण के प्रहार से वाली की दुष्टता का अंत करूंगा। परंतु छुपकर वार करना यह अधर्म नहीं होगा प्रभु। भ्राता सुग्रीव, प्रभु श्री राम तो स्वयं धर्म के सर्वोत्तम प्रतीक हैं। उनके धर्मोचित व्यवहार पर संशय मत कीजिए आप। श्री राम का सुझाव सर्वथा उचित है पुत्र सुग्रीव। भ्राता सुग्रीव, जिन प्रभु श्री राम ने धर्म और मर्यादा को स्थापित रखने के लिए अपने पिता की आज्ञा अनुसार राजपाट त्याग कर 14 वर्षों का वनवास स्वीकार किया, वो प्रभु श्री राम अधर्म कैसे कर सकते हैं? श्री राम की योजना के अनुसार मैं स्वयं वाली भैया का सामना करूंगा। यदि योजना के विपरीत कुछ भी घटित हुआ तो वाली भैया मेरे शरीर से प्राण छीनकर परलोक भेज देंगे। भ्राता सुग्रीव, भय तज कर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने का समय अब आ गया है। प्रतिक्षण भयाक्रांत रहकर घुट घुट कर मरने से तो श्रेष्ठ है कि आप भ्राता वाली का सामना करें, और फिर आपको इतना दुर्लभ अवसर भी तो प्राप्त हुआ है कि स्वयं प्रभु श्री राम आपकी सहायता करने के लिए तत्पर हैं। वाली भैया, वाली भैया, वाली भैया। ये तो सुग्रीव का स्वर है। बाहर आइए वाली भैया, युद्ध कीजिए मुझसे। सुग्रीव का इतना दुस्साहस। अशुभ घटना के घटित होने का आभास हो रहा है। स्वामी रुक जाइए, मत जाइए बाहर। मुझे किसी अत्यंती अशुभ घटना के घटित होने का आभास हो रहा है। स्वामी, स्वामी रुक जाइए। माताश्री का कथन उचित है पिताश्री, आपको इस युद्ध के लिए नहीं जाना चाहिए। अंगद, तुम मेरे समान शूरवीर योद्धा होने के पश्चात भी मुझे भयभीत होकर रोकने का प्रयास कर रहे हो? क्या तुम्हें मुझ पर अपने पिता के बल पर संदेह है? नहीं पिताश्री, मैं आपके बल और वीरता पर कदापि संदेह नहीं कर सकता, परंतु मैं इससे अवश्य अचंभित और सशंकित हूँ। सुग्रीव काका में अचानक आपको चुनौती देने का साहस कैसे आ गया? इसमें अवश्य उनकी कोई कुटिल योजना है, उनकी कोई सहायता कर रहा है। आपके घात का छल है ये पिताश्री। आशा करता हूँ कि उसने अच्छा जाल बुना हो, उसे ध्वस्त करने में युद्ध का आनंद और अधिक बढ़ जाएगा। बाहर आइए वाली भैया, युद्ध कीजिए मुझसे। सुग्रीव, अति उत्तम सुग्रीव, जो स्वयं तुम प्रस्तुत हो गए महानतम वाली के हाथों अपने काल का क्रॉस बनने के लिए। स्वामी, मृत्यु नहीं वाली भैया। मैं अपनी पत्नी रोमा और अपने जीवन के सुख को पुनः प्राप्त करने आया हूँ। मुझसे युद्ध कर अपनी मृत्यु के सिवा
कुछ प्राप्त नहीं कर पाओगे तुम। देखना चाहते हो?